मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि अब कांग्रेस का ठिकाना नहीं है, कांग्रेस एक दिशाहीन पार्टी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में कांग्रेस के टिकट बंटवारे में देरी पर तंज कसा और कहा कि सभी पार्टियां मैदान पकड़े हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के ठिकाने नहीं है। चुनाव की घोषणा हुए समय हो गया है, लोकतंत्र में जल्द प्रत्याशी मैदान में आना चाहिए। बीजेपी ने मध्य प्रदेश सहित अधिकांश प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, हमारे प्रत्याशियों का फॉर्म भरवाने में जा रहा हूं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी ने अपने मध्य प्रदेश सहित अधिकांश प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, और लोकतंत्र में तो हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां स्वस्थ रहे और अपने मैदान पकड़े, लेकिन दुर्भाग्य के साथ अभी कांग्रेस के ठिकाने नहीं है। मेरी जानकारी में कि 16 से ज़्यादा 18 प्रत्याशी अभी उनके लिए घोषित किया जाना बाकी है। वैसे उम्मीद करता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारा अपना जो जिस प्रकार का वातावरण दिख रहा है वो यशस्वी मोदी जी के साथ चलने का है, और जनता का रिस्पांस भी है। आज से हमारे प्रत्याशियों का फॉर्म भरने का क्रम भी जारी है। आज मैं सीधी का फॉर्म भरवाने जा रहा हूँ, मेरे साथ हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी भी जा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि लोकतंत्र में जल्दी से प्रत्याशी मैदान में आए तो हो जाए, लेकिन क्या करें, कांग्रेस के संकट इतने हैं कि वो निपट ही नहीं रहे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।